आज के बदलते परिवेश में इंसान के जीवन की हर ज़रूरी चीज़ उनके घर तक पहुंच पा रही है। इसमें खाने का सामान हो या किराने का, सब्जियां हो या फिर दवाइयां, यहाँ तक कि कपड़े, सब कुछ शामिल है। जैसलमेर के विश्व वाटिया की टिफिन सर्विस ने उन्हें ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग साइट्स का आइडिया दिया। आज विश्व वाटिया जैसलमेर शहर में 10 किलोमीटर तक प्रत्येक ज़रूरी सामान एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध करवा रहे हैं। जेमसिट नाम की कंपनी में आज 10 कर्मचारी काम करते हैं तथा रोजाना औसतन 400 ग्राहकों तक पहुंच पा रहे हैं। जैसलमेर से प्रताप प्रजापति की रिपोर्ट, न्यूज 18। नमस्कार, मेरा नाम विश्व भाटिया है। मैं जैसलमेर की धरा का एक प्राणी हूँ। अपनी हमने जैसलमेर की धरा में एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है, जैसलमेर जेम्स डिलीवरी पोर्टल, जिसके अंतर्गत हम लोगों की इच्छाओं को, लोगों की भावनाओं को और लोगों के प्रेम को एक दूसरे के लिए इच्छानुसार ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें हमने इसकी शुरुआत, सही बताऊं तो मैंने ऐसे की थी कि मेरी माताजी एक टिफ़िन सर्विस का काम करती है। कोरोना काल में हमारे ये बहुत हेल्प रहा कि टिफ़िन सर्विस का काम करते थे, ऐसी सुविधा थी जिसमें गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगा। तो टिफ़िन सर्विस के साथ साथ कई लोग ऐसे थे, दुकानें बंद थी, लोगों को बाकी ज़रूरत आती थी कि भाई खाना कहाँ से लाएँ या मिठाई कहाँ से लाएँ या ज़रूरत मेडिसिन कहाँ से लाएँ। तो उसके अंतर्गत देखते हुए 6 महीने तो हमने वो कार्य करा बिना पैसों के अंतर्गत, ताकि हमारी भी धर्म भावना जुड़ी हुई थी, किसी को कोई मेडिसिन चाहिए हो, किसी को कुछ, मतलब लेडीज़ प्रॉब्लम या एनीथिंग जो भी आप चाहते हैं, तो वो हमने किया। उसी के अंतराल में सोचते हुए कि भाई इसी को भी एक नया व्यापार का रूप दिया जा सकता है, तो उसमें मैंने एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे वायरल की जिसको बहुत ज़्यादा हिट मिले। फिर उसके बाद में हमने जैसलमेर में धीमे धीमे प्रयास करने शुरू किए। शुरुआत में हमें 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर ऐसे मिलते थे, 30 रुपये 60 रुपये तक कमाए हैं, लेकिन उसको हमने हीन भावना से नहीं देखा। जैसलमेर बहुत प्यारा है, आने वाले सभी को प्यार करता है। यहाँ पे जितने भी BSF वगैरह, मतलब आर्मी एरिया के जितने भी रेडिजेंस हैं, वो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। उनके जो वाइफ, उनके जो हस्बैंड्स हैं, वो ड्यूटियों पे रहते हैं, तो उनको बाहर आना बहुत मुश्किल है। उनकी जो वाइफ्स है, उनको परमिशन लेना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे धीमे हमने एक ऑर्डर करा, दूसरे ऑर्डर के लोगों की मदद से, लोग इतने प्यारे थे कि उन्होंने हमें मदद की कि आप इस काम को कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फूड चेन पहले थी नहीं, लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे। तो ऐसे करने के बाद दिन भर हमने ऑर्डर्स दिए, दिन ब दिन देते गए, तो आज मेरे अंडर में यहाँ पे 10 मौजूद आदमी हैं, जो भी स्टूडेंट ही हैं, वो भी इस प्रकार का व्यापार करना चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर, फीसें बढ़ नहीं पा रहे थे, तो हमने उनको एक नया सोच दिया, जो अभी कुछ अपनी हद से, किसी के माँ बाप नहीं हैं, किसी के पिताजी नहीं हैं, वो लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, अच्छी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों का रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं। तो उन स्टूडेंटों को हमने लाइन पे लिया, ना कि ऐसे लोगों को जो कि ऐसे ना हो कि भाई काम करने के लिए आए हों, नौकरी पेशा हो, स्टूडेंट लोगों को लाइन पे लिया है ताकि वो अपनी फीसें भी निकाल सके और लोगों की तरफ भी ध्यान दे सके, एक ज़रूरतमंद की मदद कर सकता है, ये लाइन है। तो कहने का मतलब है कि उनको लिया, फिर धीमे धीमे हमने प्रोडक्ट निकाले, पहले हम फूड ही करते थे, उसके बाद में मेडिसिन भी करना स्टार्ट किया, डॉक्टर ऑन कॉल भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को उपलब्ध कराते। जैसे यहाँ पे किला है, तो किले में इतनी छोटी गलियाँ हैं कि वहाँ पे टैक्सी का जाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे कोई पेशेंट अगर सांस से, अस्थमा से अगर दम घुट रहा है उसका रात को 1 बजे भी, तो यहाँ टैक्सी सर्विस बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थी। तो उसमें फिर जेम्स के वैलेट को हमने इजाज़ किया कि जेम्स के वैलेट भी इसकी सर्विस देंगे, ना भय के रहते।